जा रहे हैं, इधर बाहर आइए सर, आप बाहर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा लक्ष्मण रेखा छोड़ा ही है कि आप बाहर नहीं आ सकते। आप देख रहे हैं कि कैमरा को देखते ही ये सिक्योरिटी गार्ड साहब अंदर आ रहे और कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी अंदर है, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा वैभव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज सुपर सेवन टीम के साथ सासाराम के उस धरोहर के सामने जिससे सासाराम की शान है। जी हाँ, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह के इस मकबरे में पिछले वर्ष आए कोरोना के कारण टिकट शुल्क लगा दिया गया है। हालांकि शुल्क तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस यहाँ पर जो ये पार्क है ये बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ते कोरोना को देखते हुए यहाँ पर टिकट शुल्क इसमें भी जाने के लिए लगा दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ गार्ड मौजूद हैं, जैसा कि कोरोना का अभी नया वेरिएंट सामने निकल के आया है ओमिक्रॉन, और यहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगा रखे हैं कि नो मास्क नो एंट्री। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गार्ड्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, उनके पास मास्क कहाँ है। सर, आपका मास्क कहाँ है? मास्क है कहाँ है अभी? पैकेट से आप मास्क क्यों निकाल रहे हैं? नहीं मैडम, नहीं, हम यहाँ पिछले एक घंटे से घूम रहे हैं और आपने मास्क नहीं लगा रखा है। सर आपका, अच्छा आपने अभी कैमरा देख के लगाया। सर आप लोग अभी क्यों मास्क लगा रहे हैं? पहले से आपका मास्क कहाँ था? मास है यहीं पर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पार्क है यहाँ पे शुल्क क्यों लगाया गया है? शुल्क नहीं लगाया है, जब से कोरोना महामारी आया है ना, तब से भीड़ भाड़ ना हो, सामूहिक फोटो खिंचाना ही है, इसलिए यहीं से शुल्क लागू किया गया है। तो आप यहाँ पे बिना मास्क के एंट्री कैसे दे रहे हैं लोगों को? नहीं तो मास्क तो हम पहन, एक और लोग अभी बिना मास्क के अंदर, मास्क तो हम लोग कहते हैं मैडम पहन लेता है, अंदर जाके खोल लेता है। तो आप बिना मास्क की एंट्री क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? आपने बोर्ड लगा रखा है नो मास्क नो एंट्री का। बोर्ड था लेकिन अभी कोरोना के थोड़ा महामारी कम हुआ है, इसलिए थोड़ा ढील कर दिया गया है। तो जैसा कि आप इनकी भी लापरवाही देख रहे हैं कि कैमरा को देखते के साथ इन्होंने ये मास्क ढूंढने लग गए अपने पॉकेट में, और हालांकि इनको मास्क मिला। लेकिन अभी यहाँ पे मैं शेर शाह के मकबरे के अंदर मौजूद हूँ और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग मास्क पहन के अंदर आए हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगी कि वो लोगों के पास आए। तो आप यहाँ पे बिना मास्क के क्यों बैठे हैं? हम अभी तुरंत उतारे हैं, लेके बैठे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस किसी से भी पूछ रहे हैं आपका मास्क कहाँ है, तो सब कह रहे हैं कि हमने अभी तुरंत ही उतारा है। मैम आपका मास्क कहाँ है? आप इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही, जानती हैं ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है वो बच्चों पे सबसे ज्यादा हावी कर रहा है, तो आपका मास्क कहाँ रखा है? इन बच्चों का गाड़ी में छोड़ दिए हैं। कैसे गाड़ी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? सॉरी इसके लिए बच्चे, सॉरी कह देना इतना आसान है, लेकिन क्या ये पिछले वर्ष जितने लोगों की मृत्यु हुई, जो आप देख सकते थे कि शमशान घाट में लाश जलाने के लिए जगह नहीं थी, तो क्या ये सॉरी काफ़ी है उसके लिए? आइए हम अंदर चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़ा के बिल्कुल भीतर, और यहाँ पे भी दो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? क्या? मास्क कहाँ है आपका? मास्क है। कहाँ है? क्या काम? सर मुझे आपके मास्क से कोई काम नहीं है, आपका मास्क कहाँ है? आपको शायद काम होना चाहिए उससे। पूरा देश में काम है आपके मास्क की से। अंदर अंदर जा। खोल, अंदर जा। सर आप अंदर क्यों जा रहे हैं? इधर बाहर आइए। सर आप बाहर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कैमरा को देखते ही ये सिक्योरिटी गार्ड साहब अंदर आ रहे और कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी अंदर है, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क है। कहाँ है? अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कोरोना का नया वेरिएंट, अच्छा दो दिन पहले मैं आई थी, दो दिन पहले भी आपका मास्क शायद छूट गया था। सवाल नहीं है। ऐसे कैसे सवाल नहीं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर आप सच बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग कराता है, वर्दी में छूट गया।
वर्दी में मास्क छूट गया है। वर्दी में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन इनका मास्क वर्दी में छूट गया है। जैसा कि अभी हम जिन लोगों से मिले सब ने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया, किसी का मास्क उनकी वर्दी में छूट गया है तो किसी का मास्क उनके पैकेट में रह गया है, कोई लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं कि उनका मास्क कहाँ छूटा है या फिर वो भूल गए हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क सर भागिए मत, कैमरा देखे मास्क लाए, मास्क भागी निकालिए पॉकेट नहीं है, लेके एंट्री करने दिया, मास्क लेके अंदर एंट्री नहीं करने दिया। यहाँ पे कई चेहरे बिना मास्क के मुस्कुराते हुए नजर आए, तो अगर हालात यही रहे तो हमारा देश शायद मुस्कुराना भूल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ सुपर 7।